नमस्कार बंधुसकल मैं राजीवुल और आपनलोके चाय आछे ज्ञानटुल आजिर ए भिडिओटुत मैं आपनलोकर सहाय हुआ कोई जी आहिबोलगिया टेट परीक्षा बा अहोम सरकारर परीक्षा आछे हे परीक्षा समूहत जी साधारण गणितर किसुमान प्रश्न आहे तार भितरत आजि जोंतु प्रथम टपिक आछे संख्या बा नम्बर तार भितरत थका टपिक समूह नेचुरल नम्बर्स बा स्वाभाविक संख्या होल नम्बर्स बा पूर्ण संख्या इवेन एंड ऑड नम्बर्स जुग्म अजुग्म संख्या प्राइम एंड कम्पोजिट नम्बर्स मौलिक और जौगिक संख्या यह टपिक समूह विषय इतना विशदभवे आलोचना करम और सम्भवन प्रश्न सहित प्रथम आम इतने नेचुरल नम्बर कथा डिस्कस करम नेचुरल नम्बर कि है नेचुरल नम्बर्सक स्वाभाविक संख्या क्या है स्वाभाविक और ये स्वाभाविक संख्या कौनबाक है जीवन संख्या आम साधारण गणिब व्यवहार करूँ हिसाब व्यवहार करूँ जने एक दुई तीन चार पाँच छः इत्यादि ये असीम एकर पर असीम जीवन संख्या आए गोटेबा संख्या स्वाभाविक संख्या नेचुरल नम्बर भी क्या है और इतना मन करलिया कथा परीक्षा प्रश्नबाक शून्य शून्य एट स्वाभाविक संख्या है गति के हम शून्य तो स्वाभाविक संख्या नहय जीतु स्वाभाविक संख्या एकर पर असीम है गति के तहत शून्य तो अंतर्भुक्त नहय यार पिछत आहिसु होल नम्बर होल नम्बर कि क्या है असमियात एखिनि मैं सिलेबस वाइज कराइछो आपुनि सिलेबस लगत मिलाइ चाब पारे जे होल नम्बरक असमियात पूर्ण संख्या क्या है आरो ए पूर्ण संख्या कौनबाक है पूर्ण संख्या अपना जीरो वान टू थ्री फोर एबिलाकर पुरा असीम इतना प्रश्न आबे स्वाभाविक संख्या और पूर्ण संख्यार मजद पार्थक्य कि स्वाभाविक संख्या और पूर्ण संख्यार मजद पार्थक्य यटे जो शून्य तो कि है पूर्ण संख्या है कि शून्य तो स्वाभाविक संख्या नहय गति के परीक्षा और एक प्रश्न इनके पे जे पूर्ण संख्याव स्वाभाविक संख्या है गति के देखिए पारिसे जे जीरोक बद जीरो प्लस ये गोटेखी कि नम्बर है गोटेखी स्वाभाविक संख्या है नेचुरल नम्बर है गति के अपना प्रश्न उत्तर तो हम एक्जेक्टली गोटेबा पूर्ण संख्या स्वाभाविक संख्या नहय गोटेबा होल नम्बर नेचुरल नम्बर नहय जीतु नेचुरल नम्बर तो वानर पर असीम कि होल नम्बर तो जीरोर पर उखीम गति के जीरो टू होल नम्बर है कि जीरो नाथकिले गोटेखी होल नम्बर हलहेन और इतना प्रश्न तो एनेक पे नेचुरल नम्बर होल नम्बर है नेचुरल नम्बर स्वाभाविक संख्या जीवन आज गोटेबा संख्या कि है पूर्ण संख्या है कि गोटेबा पूर्ण संख्य स्वाभाविक संख्या नहय कारण शून्य तो पूर्ण संख्या है यार पिछत आहिसु इवेन नम्बर और ऑड नम्बर सो इवेन एंड ऑड इवेन नम्बर माने कि है इवेन नम्बर माने हैछे जुग्म और ऑड नम्बर माने हैछे अजुग्म संख्या सो जीवन संख्या आम दुएरे भाग शेष नथक हरण पारो एक बाकी नथक हरण पार्बिक संख्या जुग्म संख्या क्या है और जीवन संख्या आम हरण क्या बाकी थके माने सम्पूर्णक हरण ना जाए तेने संख्या अजुग्म संख्या क्या है जुग्म संख्या दु चार छः आठ दस बार इत्यादि आन अजुग्म संख्या एक तीन पाँच सत न इत्यादि सो आशा कर बुझे पारिसे यार पिछत आहिसु प्राइम नम्बर और कम्पोजिट नम्बर लो सो प्राइम नम्बर और कम्पोजिट नम्बर प्राइम नम्बर माने कि है प्राइम नम्बर माने हैछे मौलिक संख्या आनहाते कम्पोजिट नम्बर बिलाक कि है कम्पोजिट नम्बर माने हैछे जौगिक संख्या
বন্ধুসকল এইটো সেকশনৰ পৰা এইটো টপিকৰ পৰা আপোনালোকে দুই তিনিটা কুৱেশ্যন যিকোনো পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব সো মৌলিক সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে ইয়াৰ বাহিৰে কোনো সংখ্যাৰে সেইটো সংখ্যাক হৰণ কৰিব নোৱাৰি তেনেবিলাক সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আনহাতে যৌগিক সংখ্যাবিলাক হৈছে যিবিলাক সংখ্যাক যিবিলাক সংখ্যাৰ দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে মানে সেইবিলাক সংখ্যাক যেনেকৈ ধৰক এটা উদাহৰণ লৈছোঁ চাৰি এতিয়া চাৰিৰ উৎপাদক কি কি হ'ব এক দুই চাৰি এক চাৰি গুণ চাৰি দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি এক গুণ চাৰি তো ইয়াত কি হৈছে এক দুই চাৰি একেটা হৈছে উৎপাদক গতিকে যিবিলাক সংখ্যাৰ দুটাতকৈ অধিক উৎপাদক থাকে সেইবিলাকক যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু যৌগিক সংখ্যাবিলাক কেতিয়াও মৌলিক সংখ্যা নহয় আৰু মৌলিক সংখ্যা কোনবিলাক দুই তিনি পাঁচ সাত আকৌ ইয়াত ন বহাই নিদিব কাৰণ নৰ উৎপাদক আছে তিনি তিনি সাতৰ পিছত আহিব এঘাৰ পিছত তেৰ এনেকৈ মৌলিক সংখ্যা আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এক এক সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা হয় নে যৌগিক সংখ্যা হয় গতিকে এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা যে এক সংখ্যাটো যৌগিকো নহয় আৰু মৌলিকো নহয় পিছৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে দুই সংখ্যাটো কি হয় দুই সংখ্যাটো কি হ'ব দুই এটা মৌলিক সংখ্যা হয় বা এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও আহে যে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি হয় তেন্তে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হ'ব দুই ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে যে আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি তাত অপশ্যন থাকে জিৰ' ওৱান টু ফ'ৰ গতিকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা শূন্য যৌগিক সংখ্যা নহয় এক মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় দুই মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু চাৰি হ'ব যৌগিক সংখ্যা আৰু প্ৰথমটো যৌগিক সংখ্যা হৈছে চাৰি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে প্ৰথমটো বুজিব পাৰিছে যদি কিবা অসুবিধা পাইছে এইখিনিলৈ বুজাত তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ পিছৰ টপিকখিনিৰ লগত মই উদাহৰণৰ সৈতে আৰু সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নৰ সৈতে আকৌ আহিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত